जो मर्जी करते हैं पावर में है, लेकिन वो लोग नहीं सोचते हैं पावर इज टेम्पररी। चेयर में कम एंड चेयर में गो, बट डेमोक्रेसी विल कंटिन्यू फॉर एवर, कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू फॉर एवर। देयर मे बी सम अमेंडमेंट, बट दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी बुलडोज्ड। तो इसी के लिए आने वाला 24 साल में इलेक्शन में वो नहीं जीतेंगे, नहीं आएंगे। हमारा बंगाल में स्लोगन दिया था, आपका वार 200 पार। अभी दिल्ली में देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन में 200 भी पार नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूँ आपके साथ तनुषम। दो लोकसभा चुनावों का हो और बात बंगाल की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मौजूदा दौर की राजनीति में बनते बिगड़ते समीकरणों को देखें तो इस बार का लोकसभा चुनाव हर मायने में बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों में से एक है जहां इंडिया गठबंधन बिखर गया। कुछ महीनों पहले की बात करें तो टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस के अपने अपने मुखिया इंडिया गठबंधन के बैनर तले साथ खड़े नजर आए थे। विपक्ष की एकजुटता से लगने लगा था कि बंगाल में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है, लेकिन सीटों के बंटवारों को लेकर बात नहीं बनी और दीदी ने इस गठबंधन से खुद को अलग कर लिया। इस सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस ने लेफ्ट से हाथ मिलाया और अब दोनों पार्टियां मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ेंगी, जबकि टीएमसी ने बंगाल की सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी का विजय रथ रोकने के बंगाल में जो विपक्षी गठबंधन बनना था, क्या उसके टूटने से विपक्ष की उम्मीद भी टूट गई है? क्या बंगाल में इंडिया गठबंधन के बिखरने से बीजेपी को बड़ा फायदा होगा, या फिर राज्य में अपना आधार खो चुकी कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन सियासी रणभूमि में इस बार कोई बड़ा करिश्मा कर सकता है? तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। टीएमसी को 2014 के लोकसभा चुनावों में कुल 42 सीटों में से 34 और 2019 में 22 सीटें मिली थी। हालांकि 2014 की तुलना में 2019 में टीएमसी का वोट प्रतिशत तो बढ़ा था, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी को 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन बीते लोकसभा चुनावों में बंगाल के अंदर बीजेपी ने सबको हैरान किया था। 2014 में 2 सीटें जीतने के बाद 2019 में बीजेपी का राजनीतिक कद बंगाल में एकदम से बढ़ा और पार्टी ने 2019 में 18 सीटें जीतकर ममता दीदी को यह संदेश दिया कि बंगाल में आने वाला समय उनके लिए कठिन होने वाला है। पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और लेफ्ट को बंगाल की जनता ने सिरे से नकारा। नतीजा ये हुआ कि 2019 में कांग्रेस महज 2 सीटें ही जीत पाई और लेफ्ट का तो खाता भी नहीं खुला। आंकड़े बताते हैं कि दीदी बंगाल की सियासत का वो चेहरा है जिस पर अभी भी बंगाल की जनता सबसे ज्यादा भरोसा करती है और प्यार करती है। भले ही पिछले चुनावों में टीएमसी की सीटें कम हुई हो, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि ममता बनर्जी की पार्टी को करीब 4% वोट स्विंग भी मिला था। पिछले कुछ समय से बंगाल के राजनीतिक समीकरण बड़ी तेजी से बदले हैं, जिसके चलते बंगाल में बीजेपी टीएमसी को बराबरी की टक्कर दे रही है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस का घटता जनाधार बीजेपी के मजबूत होने का सबसे बड़ा कारण है। यानी बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस की कमजोरी का सीधा फायदा बीजेपी को ही मिल रहा है। ऐसे में इस बार बीजेपी टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच बंगाल में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज़। नमस्कार।